हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गर्मियों में सब्जियों की कमी की वजह से हम दो चार सब्जियां खाते रहते हैं और बोर हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और बनाने में आसान भी है। तो चलिए देखते हैं इसी आसान सी रेसिपी को कैसे बनाते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसन चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। उसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा डालेंगे जीरा और थोड़े से बहुत थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे गरम मसाला पाउडर, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इसको सॉफ्ट बनाने के लिए ऊपर से हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच हम तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद उस पर हम डालेंगे इनको सॉफ्ट बनाने के लिए और दही डालेंगे, जिससे ये हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो 2 बड़े चम्मच हम इसमें दही ऐड कर देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जिस तरीके से हम आटा का डो लगाते हैं ना, वैसे ही इनको हम गूँथ लेंगे। तो इसी दही के पानी से ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, मतलब आटा लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो आप ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा अच्छे से लग चुका है। अब इनको हम 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है पनीर, जिनको अच्छे से क्रम्बल कर लिया। ऊपर से मैंने डाला है थोड़ी सी कसूरी मेथी और यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम ले लिया है। इनको मैंने अच्छे से कूट लिया है, या आप चाहें तो स्लाइस भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च डाला है और स्वाद के हिसाब से नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे कसूरी मेथी की जगह पे धनिया पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम साइड करने के बाद ये जो हमने जो आटा लगाया था बेसन का, इनके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तो इस सबको हम इक्वल साइड में करने के लिए, एक साइज़ का बन जाए, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे और सारे पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। अब चलिए हमने जो इसको स्टफिंग तैयार की थी इसको हम भर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़े से स्टफिंग इसमें भरेंगे और इस तरह से उसको हम बॉल तैयार कर लेंगे। तो आप इस तरह से चाहें तो बॉल भी तैयार कर सकते हैं या इसको फ्लैट कर लेंगे तो पेड़ की तरह बन जाएगी। तो सारे बॉल्स को हम इस तरह से बना के रेडी कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है और पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद हम अपने बॉल्स को इसमें ऐड कर देंगे। और जब अच्छे से उबाल आ जाए तो इन्हें हम 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए इनको हम चेक कर लेते हैं। तो बॉल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे बॉल्स को निकाल लेंगे और इस बचे हुए पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम सारे बॉल्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जिससे ये बहुत अच्छा सोंधपन आ जाएगा और खाने में टेस्टी भी होगा। तो इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाए तो इनको हम निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक, 2-3 लौंग और थोड़ी सी 4-5 काली मिर्च को मैंने अच्छे से कूट लिया, जिससे इसमें तेल में डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से निकल के आएगा। इनको हम 1 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पे मैंने बहुत ही बारीक हरी मिर्च ले ली है काट के, और यहाँ पे मैं तीखे के हिसाब से रखा है, 3 से 4 मैंने लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस तेल में हम इनको थोड़े से पका लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और लहसुन मैंने कूट के लिया हुआ है, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को धीमी आंच पे हम कम से कम 2 मिनट तक पकाएंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल के आएगा। तो ये मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके लिया हुआ है और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे हल्का सा सॉटे हो जाए उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हींग, इसमें ऐड कर लेंगे।
अगर आपको अच्छा लगता है हींग तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसके भी कर सकते हैं। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच जीरे का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लेग चिली पाउडर, जिससे इसका कलर जो है बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से पका लेंगे। तो इनको हम ढक के पकाते हैं, जिससे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। तो मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 कप फेंटा हुआ दही डालेंगे। और जब हम दही को डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे हम 30 सेकेंड इस तरह से चलाते जाएंगे, जिससे मसाले और दही अच्छे से मिक्स हो जाए और दही फटे नहीं। तो इनको मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं दही के साथ। अब इसमें हम थोड़ा सा, मेरे स्टफिंग बच गई थी तो उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इनको अच्छे से हमें भून लेना है, जब तक कि तेल और अच्छे से निकल ना जाए। तो यहाँ पे देखिए दही का पानी अच्छे से सूख चुका है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें बचे हुए जो पानी थे उसको इसमें हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे बॉल्स इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर से हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि पहले से मैंने डाला हुआ है। और यहाँ पे दही के खटास को बैलेंस करने के लिए मैंने 1/2 चम्मच चीनी ऐड किया है। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 4 से 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है बन के रेडी हो चुकी है। आप इसको दोपहर में, रात में रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।